हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सिर्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते वीडियो स्टार्ट। सो आज हमारे साथ खड़ी है ड्यूक 200 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है। 1x1 करके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा मैं आज आपको। नया कलर भी लॉन्च हुआ है अभी कुछ टाइम पहले ही, जो KTM ड्यूक 200 में, ठीक है, काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी यूनिक लगा मुझे। ब्लैक कलर के अंदर इसके अंदर अलॉय व्हील कर दिए गए हैं और ग्रेइश कलर के अंदर इसका जो कंप्लीट जो है साइड फेंडर्स कर दिए गए हैं। और जो दो कलर पहले से आते थे, सिल्वर कलर और ऑरेंज कलर, और एक कलर और आता है जो ब्लैक और ऑरेंज आता है, ठीक है। और सबसे प्रेफरेंस पे जो कलर भी रखा गया है ना भाई, यही रखा गया है, सबसे बेस्ट कलर लगता है ये। और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको 2,30,000 देखने के लिए मिल जाएगी इन जयपुर। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्राइस, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा 1,000 से 2,000 का। ओके, सो अभी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ ना मैं, सो आपको तो देखो भाई मैं स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ मैं करके क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और क्या क्या नहीं है। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। एकदम फ्रंट में आपको जो है 17 इंच अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं ब्लैक कलर के अंदर। MRF के ट्यूबलेस टायर्स आ जाते हैं इसके अंदर 110x70 सेक्शन के साथ में। 4.5 mm की आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे कम्प्लीटली, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। डुअल चैनल ABS है बाइक, आगे पीछे दोनों तरफ आपको ABS देखने के लिए मिल जाते हैं। बाइबर्स के कैलिबर्स आते हैं आगे की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं ब्रेकिंग के टाइम पर, और जो कि भाई इंपॉर्टेंट भी बहुत है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए ब्रेकिंग के टाइम पर, तभी गाड़ी रुकती है, ठीक है। WP Apex के आपको जो हैं अप साइड डाउन फोर सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों तरफ। बात करूँ फ्रंट की हेडलाइट, तो वो जो ड्यूक 390 में जो पहले आती थी, ड्यूक 250 में आती थी, वैसी हेडलाइट है कम्प्लीटली। यहाँ पर DRLs आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर मेन हेड लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जो है कम्प्लीटली ऑरेंज कलर के कर दिए गए हैं राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ के। यहाँ पे KTM की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बात करूँ इंडिकेटर्स की, तो ऐसे कुछ आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कम्प्लीटली LED इंडिकेटर्स है ये। और अभी इसके अंदर एक बार आपको मैं मीटर भी दिखा देता हूँ कि मीटर कैसा है इसका। सो मीटर जो ओल्ड मीटर आता था ना, वही वाला है, BS3 का जो मीटर आता था ड्यूक में, जब ओल्ड टाइप जो मीटर आता था वही अभी तक भी है इसके अंदर। मोड और सेट से आप इसको कंप्लीट ऑपरेट कर सकते हो मीटर को। शिफ्ट RPM लाइट देखने के लिए मिल जाती है, इंजन चेक लाइट, ABS और फ्यूल मीटर देखने के लिए मिल जाता है, स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, और लास्ट एंड फाइनल आपको यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल जाती है मीटर में, अभी भी डिसेंट सी। बट अभी तक कोई मीटर में तो अपडेट है नहीं, देखो सही बात होता ना आपको। यहाँ पे जो है कम्प्लीटली आपको जो है ये देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके कम्प्लीट आप ऑपरेट कर सकते हो यहाँ से। और एक बार, कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर स्लीपर क्लच आ गया है, तो एक बार वो भी मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। सो स्लीपर क्लच का तो देखो ऐसा है कि स्लीपर क्लच है ना ड्यूक 200 में पहले से ही था, बट मुझे नहीं लगता कंपनी क्लेम कर रही है अभी आया है, कुछ बंदे बोलते हैं आया है, कुछ बोलते नहीं आया है, बट स्लीपर क्लच तो क्या है पहले से ही था, पहले ही भी इतना ही नॉर्मली था इसका क्लच, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपको बात करूँ कीज़ की, तो कीज़ आपको सेम एज इट इज़ पहले वाली देखने के लिए मिल जाती है KTM की जो आती थी। और यहाँ पे जो है 13.4 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, मेटल का फ्यूल टैंक है, कम्प्लीटली डार्क मैट कलर के अंदर आता है। इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो। ड्यूक 200 की आपको जो है कंप्लीट ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये इधर भी आपको ड्यूक 200 की देखने के लिए मिल जाएगी और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। ओके, सो अभी बात करते हैं यार सीट्स की, तो सीट्स तो देखो अभी भी है ना इसके अंदर है ना भाई, थोड़ी सॉफ्ट कम ही हुई है, पीछे वाली तो और भी टाइट है, आगे वाली भी वही है नॉर्मल, कोई ज़्यादा खास फ़र्क है नहीं, बस आगे वाली थोड़ी सी कम्फर्टेबल है। इसको आप लॉन्ग राइड्स पे जाने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत इसमें एडजस्ट करवाना ही पड़ेगा कुछ वगैरह, तभी पार पड़ेगी, नहीं तो भाई दिक्कत है यार थोड़ी, समझ रहे हो। स्प्लिट चैसिस आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, 199cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, विथ 6-speed गियर बॉक्स 1-down, बाकी सारे अप इसमें गियर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि इधर की तरफ है, ठीक है। राइट साइड एंड साइड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली। फुटरेस्ट की बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, ये देखिए। ओके, सो फुटरेस्ट भी काफ़ी डिसेंट से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। और अभी बात करूँ पीछे वाले शॉकर की, तो ऐसा कुछ आपको शॉकर देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल शॉकर, और काफ़ी अच्छा शॉकर है वैसे तो यार, मतलब कि काफ़ी शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है ये अच्छे खासे, और 7 level तक आप इसको एडजस्ट करवा सकते हो अपने हिसाब से, आपको सॉफ्ट रखना है हार्ड, ऐसा कुछ इसका अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा आपको कम्प्लीट। यहाँ पर जो है आपको जो है सिंगल साइडेड मतलब एलुमिनियम देखने के लिए मिलता है, स्विंग आर्म जो है वो कम्प्लीटली एलुमिनियम का है इसके अंदर। यहाँ पे आपको टायर सेक्शन की बात करूँ, पीछे वाले 150x60 सेक्शन का आपको टायर देखने के लिए मिल जाता है विद 17 इंच अलॉय व्हील्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 3.5 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, अगेन बाइबर्स के कैलिबर्स के साथ में। डुअल चैनल ABS है बाइक,
और तीनों ही कलर्स फ्रेम में आ रहे हैं। अभी आप देख लो तीनों ही कलर्स में से सबसे अच्छा कलर कौन सा लग रहा है आपको। भाई मेरे को तो सबसे कलर यही अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो आता है KTM का नया वाला, और उसके बाद में फिर ये, फिर लास्ट में ये, क्योंकि ऑरेंज थोड़ा सा क्या है आंखों में चुभता है, सच बताऊँ ना आपको, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई है इस कलर का, और इस कलर का क्या है कॉन्ट्रास्ट बहुत नॉर्मल है, तो अच्छा है ये कलर। KTM का आपको हगर देखने के लिए मिल जाएगा पीछे, पीछे की तरफ बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको बैकलाइट देखने के लिए मिलती है और ऐसी कुछ इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाड़ी वैसे काफ़ी अच्छी है यार, मतलब मेजर अपडेट्स की बात करूँ तो कुछ खास आए नहीं है। देखो स्लीपर क्लच की कोई ज़रूरत है भी नहीं, 200 cc के अंदर कोई सेंस नहीं बनता। देखो स्लीपर क्लच का इतना वो कहने की बातें हैं, स्लीपर क्लच भाई 200 cc की गाड़ी में वैसे भी ना क्लच नॉर्मल ही रहता है, आपको सच बताऊँ ना मैं तो, नॉर्मली आप उसको एक उंगली से भी असिस्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है, एक उंगली से भी आप क्लच को असिस्ट कर सकते हो बिना स्लीपर क्लच हुए भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई बड़ी। भाई वो स्लीपर क्लच उन सीसी के लिए होता है, 650 cc हो गई, समझ रहे हो आप, 390 cc हो गई, इनके लिए होता है, हायर क्लास जो सीसी होती है ना बाइक्स, उनके लिए होता है स्लीपर क्लच, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 200 cc में स्लीपर क्लच लेके कर भी क्या लोगे भाई, ये बताओ, 200 cc में स्लीपर लेके क्लच लेके कर भी क्या लोगे, हल्का फुल्का ही तो कम्फर्ट रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कम्फर्ट ही है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं स्लीपर क्लच वगैरह, बाकी गाड़ी ओवरऑल गुड है, कोई खास अपडेट तो करें नहीं है। देखो सही बात बताऊँगा आपको, है ना, बस थोड़े थोड़े कलर्स में और ग्राफिक्स में खेल रहा है अब ये भी KTM है ना बजाज की तरह। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तीनों ही कलर्स मैंने आपको एक ही फ्रेम में दिखा दिया, अगर कुछ रह गया हो तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में, और कुछ क्वेरी हो तो वो भी बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।